अबे हाथों डाले, अरे यार हाथों डाल यार, अरे यार मुझे सुना अच्छे से पहनो, नहीं तो निकल जाएगा। तो देखा आपने कैसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को अपने हाथों से चप्पल पहना रहे हैं, और सिंधिया के कहने पर ऊर्जा मंत्री अपनी सारी नाराजगी भुलाकर चुपचाप चप्पल पहन भी रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह की सरकार है, फिर ऊर्जा मंत्री किस बात से नाराज है? चलो नाराज भी है तो चप्पल क्यों पहन रखी है? आप देखिएगा कि लक्ष्मण तलैया का रोड पूरा बन के तैयार हो गया, गहने वाली सड़क का काम 75% पूरा हो गया। आप देखिए JH हॉस्पिटल रोड का काम भी 50-60% हो रहा है, और इनका जल्दी से हम लोकार्पण करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रति, माननीय श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी के प्रति, माननीय नरेंद्र सिंह जी के प्रति कि, और माननीय सांसद विवेक नारायण सोजल जी के प्रति कि इन सड़कों के लिए पैसा मिला और ये निर्माण कार्य शुरू हुआ, और आने वाले समय में भी ग्वालियर की सड़कों के लिए और धनराशि प्रदेश के एसोसिएट मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद और आभार करता हूँ। प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर विधानसभा से विधायक हैं और शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री भी हैं। 20 अक्टूबर को अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि शहर की सड़कों की हालत बेहद खराब थी, कई जगहों पर निर्माण कार्य अधूरे पड़े थे, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रद्युमन सिंह तोमर से शिकायत की तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सड़क ठीक करने का निर्देश दिया और संकल्प लिया कि जब तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वे जूता या चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में थे। सिंधिया जैसे ही प्रद्युमन सिंह तोमर से मिले तो उन्होंने तुरंत चप्पल मंगवाई और ऊर्जा मंत्री को पहना दी और कहा कि सड़क बन गई है, अब चप्पल पहन लो। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने ग्वालियर में सड़कें बनाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का शुक्रिया कहा और आखिर में सौगंध पूरे होने के बाद मंत्री जी ने चप्पल पहन ली।